बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, that is reduction and oxidation. The reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is called redox reaction. Now we will discuss what is reduction and what is oxidation. The definition of reduction is gain of electron, gain of hydrogen, loss of oxygen and decrease in oxidation number. इन चार में से कोई सा भी एक अमल हो रहा होगा तो वो रिडक्शन के जुमरे में आएगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन इज द अपोजिट ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन चार में से कोई सभी कोई एक अमल हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन के जुमरे में आएगा। अब हम इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और कहाँ पे रिडक्शन होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 एरो, Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे MnO4 में हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो Mn का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस सेवन है। अब देखिए आप, ये प्लस सेवन से ये प्लस टू में जा रहा है, कौन? Mn। और रिडक्शन की डेफिनेशन में जो चौथी डेफिनेशन है वो क्या है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी चार्ज में लेफ्ट से राइट जाते हुए कमी आएगी, तो ये अमल हो गया आपका रिडक्शन का। अब यहां देखें आप, ये प्लस टू है, ये प्लस टू से ये प्लस थ्री में जा रहा है, चार्ज में इजाफा हो रहा है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा, एक टर्म और है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे देखें, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करते हैं, तो यहां पे प्लस सेवन Mn पे चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि Mn के पास सात इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे कमी थी, और लेफ्ट से राइट जाते हुए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? इसने पांच इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। किसने? Mn ने पांच इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप Fe पे आइए, Fe प्लस टू है, ये Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री में जा रहा है। Fe प्लस टू का मतलब क्या है कि यहां पर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहले दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसने क्या किया?
इसने एक इलेक्ट्रॉन मजीद इसने लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है आपका इम्पार्ट किया है, तो Fe जो हो गया ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन देने वाला ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा समझ लीजिए कि रिडक्शन जो है एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। रिडक्शन एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट एक एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट एक एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस तरह कोई एजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल स्टेट एजेंट है या ट्रेवल एजेंट है, जो आपका स्टेट एजेंट की मिसाल लेते हैं हम, तो स्टेट एजेंट जो होगा वो आपसे अमाउंट लेगा और आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा, आपसे अमाउंट लेगा और आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा। ट्रेवल एजेंट जो है आपसे अमाउंट लेगा और आपको जो है एयर टिकट दिलाएगा। तो इसको बोलते हैं एजेंट बोलते हैं जो लेने देने का काम करता है, जो लेने देने का काम करता है, जो गिव एंड टेक का काम करता है वो एजेंट कहलाता है, उसे बोलते हैं एजेंट। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक एजेंट है, ऑक्सीडेशन जो है एक अमल है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन आपका गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज थी रिडॉक्स रिएक्शन की, जो आपको यकीनन आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।